अमृतसर से कोरोना पर खास अपडेट। आज अमृतसर में आए 25 कोरोना संक्रमित केस, इनमें 12 नए संक्रमित केस, 13 केस पहले से संक्रमित के संपर्क से, एक मरीज की हुई मृत्यु। आज अमृतसर में 25 कोरोना संक्रमित केस आए हैं, जिनमें 12 नए संक्रमित केस हैं, जिनमें एक केस करतार नगर छिहाटा से, एक करमपुरा से, एक शरीफपुरा, एक चविंडा देवी, एक मजीठा रोड, एक कथुनंगल, दो केस हरिपुरा, एक गुरुद्वारा तूत साहिब, एक सेक्टर 4 रंजीत एवेन्यू से, दो केस सुल्तानगंज से हैं। 13 केस पहले से संक्रमित मरीजों के संपर्क से आए हैं, जिनमें दो केस बाबा दीप सिंह एवेन्यू के निवासी के संपर्क से, 3 केस जवाहर नगर के निवासी के संपर्क से, 2 केस इंदिरा कॉलोनी मजीठा रोड के निवासी के संपर्क से, 3 केस आजाद नगर छिहाटा के निवासी के संपर्क से, 1 केस मेडिकल एनक्लेव के निवासी के संपर्क से, 1 केस बटाला रोड के निवासी के संपर्क से और 1 केस गेट हकीमा के निवासी के संपर्क से आया है। अमृतसर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 896 हो चुकी है, जिनमें से 644 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा जा चुका है। 215 लोग फिलहाल उपचाराधीन हैं। 37 लोगों की अमृतसर में अब तक कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। मकबूलपुरा के निवासी 73 वर्षीय हरिंदर सिंह की आज अमृतसर में कोरोना से मृत्यु हुई है।